हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू ए चैनल। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में, जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत बार मुझसे पूछ चुके हो। तो फर्स्ट थिंग जो है वो है हमारे टीचर्स, जिन्हें मैं फॉलो करने वाली हूँ नीट 2025 के लिए, ठीक है। और सेकेंड थिंग जो है वो है हमारी टेस्ट सीरीज, क्योंकि यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है जो हमारे हम कितने पानी में है वो बताती है। और थर्ड चीज़ है वो है हमारे रिसोर्सेज, जो मैं क्या क्या फॉलो करने वाली हूँ, लाइक NCERT मॉड्यूल्स, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, इसके मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचर्स जो मैं फॉलो करने वाली हूँ, ठीक है। और उसमें भी सबसे पहले लेते हैं फिजिक्स से। सो जो फिजिक्स है उसमें मैं पढ़ने वाली हूँ AG सर से। मेरे वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं जो मेरे को अच्छे लगते हैं, ठीक है। अगर आप लोग में से कोई भी पढ़ रहा है उनसे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और उनसे मैं क्लास 11th क्लास 12th पूरी की पूरी उन्हीं से पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। सेकेंड आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर, जो कि है रवि दुबे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वह उनसे मैं पढ़ूँगी, ठीक। और थर्ड टीचर जो है वो है YSY सर, जिनसे मैं ऑर्गेनिक पढ़ने वाली हूँ, ठीक। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मेरे को पढ़ना है TNM सर से, तो मैं उन्हीं से पढ़ूंगी, ठीक। सारे टीचर्स मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा अच्छे से बता दिए कि हाँ मैं इन इनसे पढ़ने वाली हूँ। अब बात करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसको शुरू से ही NCERT पढ़ूंगी, मैं कहीं भटकूंगी नहीं। जो भी टॉपिक मेरे को वीक लगेगा वो मैं यूट्यूब से देख लूँगी या कोई टीचर जो है उनका देख लूँगी। मैं मतलब कोई पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं बताने वाली हूँ कि मैं किससे पढ़ूँगी, क्योंकि मैं सो गाइस, हमने टीचर्स के बारे में आपको बता दिया है। और ये जो टीचर्स हैं ना वो अनएकेडमी के हैं और पहले LN में भी पढ़ा चुके हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं। और आप लोग जिस टीचर को फॉलो करो एंड तक उन्हीं को करना, और मैंने इन सब के बारे में बता दिया। सो गाइस, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की बात करते हैं, वो है हमारी टेस्ट सीरीज़, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो ना हमें बताती है कि हम कितना प्रिपेयर कर चुके हैं उस टॉपिक को, कितना रह गया है टॉपिक। लास्ट के मंथ में हम ना प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं दे पाए थे, बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं दे पाए थे, जिससे मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई। और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि यार अगर टेस्ट दे दिए होते तो शायद मैं अच्छा और कर पाती अपने उस एग्ज़ाम में। बट कोई नहीं, मुझे क्यों इतना ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, चलो एक बार आपको शो करते हैं। सो गाइज, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितने क्वेश्चन नीट 2024 में ब्रह्मास टेस्ट सीरीज से आए थे। सो फॉर बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी सेक्शन ए में 29 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 35, और सेक्शन बी से 15 में से 14 क्वेश्चन डायरेक्टली इस टेस्ट सीरीज से। जूलॉजी में सेक्शन ए से आए थे 35 टोटल आए थे पूरे के पूरे, और सेक्शन बी में 15 में से 12 क्वेश्चन आए थे। और केमिस्ट्री में भी आप सेम ऐसे ही देख सकते हो सारे में, ठीक है। और फिर बायोलॉजी में ओवरऑल जो स्कोर हो रहा था वो 360 में से 336 हो रहा था, केमिस्ट्री में 168 हो रहा था 180 में से, और फिजिक्स में 176 हो रहा था 180 में से। तो आप देख ही लो, ठीक है, कितने ज़्यादा इतने ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली ब्रह्मास टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे। अब आपको हम इसका प्रूफ भी दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये क्वेश्चन 24 है जो ब्रह्मास टेस्ट सीरीज से पूछा गया था, डायरेक्टली यही क्वेश्चन हमारे नीट एग्जाम में आया हुआ है। और ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 25 है, आप देख ही सकते हो, ये भी जो क्वेश्चन था वो डायरेक्टली ब्रह्मास टेस्ट सीरीज से था जो हमारे नीट एग्जाम में पूछा गया था। बाकी के जितने भी हैं ये क्वेश्चन, ये सारा का सारा प्रूफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा अच्छे से देख भी सकते हो खुद से, ठीक है। सो गाइज, नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि ना ब्रह्मास टेस्ट सीरीज जो है वो 26 मई से ही स्टार्ट होने वाली है। इसमें ना 36 एग्जैक्ट नीट लेवल टेस्ट होंगे, 26 पार्ट टेस्ट होंगे और 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको। इसमें ना आंसर की होगी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। यह 100% NCERT बेस्ड होता है और प्रॉपर एनालिसिस होती है ईच क्वेश्चंस की। इसमें ना 11th और 12th जो होते हैं वो दोनों कवर करवाए जाते हैं एक साथ, ऐसा नहीं है कि 11th बाद में कर लेना 12th बाद में, एकदम बेसिक से 11th और 12th दोनों आप एक साथ कर सकते हो अच्छे से कवर, ठीक। मेकिंग यू हैबिचुअल टू गिव टेस्ट ऑफ बोथ क्लास 11th एंड 12th टुगेदर, ठीक है। ब्रह्मास मिस्टेक बुक सेक्शंस इंक्लूड रॉन्गली अटेम्प्टेड क्वेश्चन विद कस्टमाइज्ड DPT टू रेक्टिफाई मिस्टेक्स। अब इसको हम अच्छे से समझाते हैं। जब आपने ब्रह्मास पार्ट टेस्ट दिया तो वो आपके ना वीक टॉपिक में चला जाएगा, ठीक है, और वो वीक टॉपिक जो है वो आपकी मिस्टेक नोटबुक में जाएगा, और फिर वो एक कस्टमाइज DPP की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप ना एक कुमुलेटिव टेस्ट जो होते हैं वहाँ पे आप लिख सकते हो और अपना स्कोर अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैंने मैं आपको बताने वाली हूँ क्यूमुलेटिव टेस्ट और BPT टेस्ट, ठीक है। तो BPT फर्स्ट, BPT सेकेंड, BPT थर्ड,
जो BPT फर्स्ट है ना, ये 26 मई को होगा। इसमें 6 डे का ब्रेक मिलेगा। और इसका जो फिजिक्स का सिलेबस है वो यूनिट डायमेंशन है और बेसिक मैथ है, केमिस्ट्री में मूल कॉन्सेप्ट है और बायोलॉजी में लिविंग बर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फिर जो इसमें 13 डे का ब्रेक मिलेगा BPT सेकेंड वाले टेस्ट में, ये 2 जून को होगा। इसका जो सिलेबस है इलेक्ट्रोस्टेट सोल्यूशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट। ये दोनों टेस्ट ना क्लास 11th और क्लास 12th के बेसिक चैप्टर हैं जो अच्छे से साथ में आपको प्रिपेयर कराए जा रहे हैं, ठीक है। फिर जो BPT 3 है ना, ये क्यूमुलेटिव टेस्ट है, मतलब जो भी आपने BPT फर्स्ट और BPT सेकेंड में आपने जो भी मिस्टेक्स करी उन्हें अच्छे से एनालाइज करना, फिर आपका एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा क्यूमुलेटिव टेस्ट में। दोनों को मिला के ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। बाकी के सारे आप देख ही सकते हो, यहाँ पे थोड़े थोड़े गैप में है और ये ऐसे ही है जैसे कि मैंने ऊपर बताए हुए थे सारे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो फुल सिलेबस टेस्ट जो होगा वो 9 फरवरी से स्टार्ट होगा। उससे पहले थोड़े थोड़े पार्ट टेस्ट होंगे जिससे आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए, तो 9 फरवरी तक आपका बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। ये जो टेस्ट है ना, ये दोनों मोड में मिलेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन मोड दोनों में, ठीक है। और ऑफलाइन मोड अगर आप परचेज करना चाहते हो, विद इन 5 वर्किंग डेज आपको ये आपके घर पे अवेलेबल हो जाएगी, ये वाले सारे टेस्ट पेपर, ठीक है। सो जो फर्स्ट 3 टेस्ट है ना, BPT फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये सभी के लिए फ्री है, तो आप अपने प्लानर के हिसाब से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सो जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए एक फ़ायदा है, वो ना लास्ट के मंथ में उनको 5 टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। और जो क्लास 11th में 2026 वाले एस्पिरेंट, उनके लिए एक यूनिक टेस्ट सीरीज़ आने वाली है जून में। और अगर आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ परचेज करेंगे ना, तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं MED दीक्षा, जिससे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मेमोनीट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ को परचेज कर सकते हैं। सो गाइज, अब बात करने वाली हूँ रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज बहुत ही कम हमें पढ़ने हैं, उन्हीं को बार बार पढ़ना है, तो NCERT नोट्स मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाने हैं बहुत वाली, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो NCERT होती है उसे लास्ट में पढ़ते हैं, जिससे क्या है हम लोग ना बार बार रिवाइज नहीं कर पाते। इस वजह से अभी शुरू से ही NCERT को पढ़ेंगे, जिससे आगे चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में पूरी वीडियो अच्छे से आएगी, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाऊँगी। और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कहाँ कहाँ से हो, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।